हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूडिशियस मुंबई। दिस इज उमंग चंदे एंड आज मैं, आप गेस करिए, बस का आया हूँ मैं। ये रास्ता देख के कुछ समझ रहा है? ये मैं बोल सकता हूँ कि मतलब मुंबई फेमस घाटकोपर की फेमस खाओ गली है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। एंड यहाँ पे मतलब पूरी खाने की नगरी है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिर्फ खाना ही खाना है। बट ये पूरी गली में मैंने देखा कि यहाँ पे विजय स्नैक शेक है, एक आउटलेट है जहाँ पे बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है एंड वो भी पॉकेट फ्रेंडली रेट्स में। तो यहाँ पे तो रुकना बनता था मुझे एंड सो मैं रुक गया विजय स्नैक शेक में। इनके मेन्यू में एक चीज मैं देख पा रहा हूँ कि हर एक सेगमेंट में एक एक स्पेशल चीज तो है ही यहाँ की। एंड एक रीजन क्या है आप ऐसे अपने कुछ स्पेशल देने का? ऐसा नॉर्मल चीजें तो सब जगह मिल जाती है आपको, और ये ऐसा स्पेशल वगैरह थोड़ा एक्स्ट्रा लोडेड रहता है, तो एक बार अगर टेस्ट करेंगे कस्टमर तो वापस वही चीज के लिए हमारे पास आएंगे। अच्छा, वो गारंटी है, मतलब एक बार खाओगे अच्छे से सर्व करोगे आप। एंड एक चीज की तो मैं तारीफ करूंगा, आपने सब वेजिटेबल्स को अलग से रखा है, क्लीनिंगनेस एकदम अच्छे से रखी है। एंड ऐसा भी नहीं कि मतलब वो आपको दिख रहा है, बट ओवरऑल भी मैं बोलूँ ना तो इनकी क्लीनिंगनेस में मैं बात करूँ तो ये देखो एकदम प्रॉपर हर सब कुछ क्लीन है, सब सॉसेज एकदम अच्छे से रखे, वो एक अच्छी बात है। एंड ये क्या बन रहा है अभी? ये अभी बीजे स्पेशल सैंडविच अमूल चीज है। एंड मतलब अमूल है तो मतलब मजा आने वाला है। ग्रेट करेंगे इसको, पूरा ग्रेट हो गया। एंड एक चीज देखी आपने, पूरा स्लाइस डाल दिया चीज का, मतलब एकदम लोडेड जो इन्होंने बोला वो लोडेड है, तो मतलब रहने वाला है। ये गया मेयोनीज, क्या बात है। एंड सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ कहाँ करूंगा, आपने लोकेशन ही खाओ गली लेके बहुत अच्छी बात की, बिकॉज यहाँ पे लोग खाने के लिए उठते हैं, खाने के लिए सोते हैं, रहता है घाटकोपर में। एंड ऐसा भी नहीं कि एक ब्रेड पे डाला एंड हो गया, भाई दोनों ब्रेड पे डालेंगे, अच्छा क्वांटिटी चाहिए ना अंदर लोडेड। एंड ऊपर बटर, अमूल बटर। विराज विजय, यस मेरा ये इनिशियल्स लेके क्रिएट किया ऐसे ही। एंड ये अच्छे से चॉप कर रहे हैं, एकदम क्रिस्पी, मतलब आवाज ही जैसे एकदम खचक खचक आ रहा था, एकदम क्रिस्पी है, अच्छे से कट हो गया है। ये है वाइट चीज सॉस, वाइट चीज सॉस, मेयोनीज, पिज्जा सॉस, पिज्जा सॉस, देख रहे हो जा रहे हैं एकदम अच्छे से। अब ये मिक्स हो जाएगा, मोज़ेरेला चीज आ जाएगा एकदम, पनीर को कोट करेंगे पेरी पेरी सॉस में। ये भी अमूल पूरा आएगा, अमूल चीज, वो भी ऐसा पूरा स्पेशल मसाला। तो विजय स्नैक शेक एंड मेरा मेन्यू मेरे सामने आ गया है। एंड सबसे पहले अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन दूं मेरे डिशेस का, तो ये है पेरी पेनी पनीर पिज्जा, विजय स्पेशल फ्राइज, विजय स्पेशल सैंडविच एंड विजय स्पेशल बर्गर। देरी किस बात की, चलिए टेस्ट कर। तो सबसे पहले मैं टेस्ट करूंगा पेरी पेरी पनीर पिज्जा एंड ये देख लो यार, इतना अच्छे से पूरा फिल किया है, वो बहुत अच्छी बात है। एंड अब देरी किस बात की, मैं आपको बताता हूँ कि कैसा है। सबसे पहले तो पेरी पेरी सॉस जो ऊपर डाला है वो ऐड कर रहा है टेस्ट को और अच्छे से, जैसे कि मैंने बोला था विराज भाई जब बना रहे थे हर एक चीज़ को अच्छे से रख रहे थे। एंड दैट्स द रीज़न एक बाइट में इतने फ्लेवर एक साथ आ रहे हैं, जो अच्छी बात है। एंड पेरी पेरी पनीर पिज्ज़ा अगर आप घाटकोपर खाओ गली आ रहे हो तो आपको ये डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। पिज़्ज़ा तो काफ़ी सही था, पेरी पेरी पनीर पिज़्ज़ा। एंड अब बारी आती है ये विजय की स्पेशल सैंडविच की, विजय मीन्स विराज। एंड ये स्पेशल सैंडविच देख लो यार, पूरा चीज़ का एक क्यूब ऊपर आ गया, बनाते वक्त आपने देखा होगा अंदर भी चीज़ का क्यूब, ऊपर भी चीज़ का क्यूब एंड इसके डबल लेयर है, मतलब तीन ब्रेड डबल लेयर और क्या चाहिए यार। तो टेस्ट करेंगे,
आप कहीं पे भी जाओ सैंडविच इज ऑलवेज सिमिलर, मतलब वेजिटेबल्स अंदर रहेंगे, बट कैसा होता है पता है, वो वेजिटेबल्स कितने क्वांटिटी में जाने चाहिए दैट्स इम्पॉर्टेंट। वो इन्होंने मतलब बहुत अच्छे से किया, ऐसा नहीं कि एक ही वेजिटेबल का टेस्ट आ रहा है। एंड सेकेंडली एक और चीज़ है जो सैंडविच को अच्छा बनाती है, चटनी, बिकॉज सैंडविच तो हर जगह सेम होती है एज आई सेड, बट चटनी मेक्स इट मोर बेटर। तो वेजिटेबल्स प्रॉपर क्वांटिटी में थे एंड ये जो चटनी है ना वो बहुत सही है, तो सॉस की जरूरत नहीं है मेरे को, मैं बोलूँगा बिकॉज चटनी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। सो दिस सैंडविच विजय स्पेशल सैंडविच अ थम्स अप फॉर यू टू ट्राई। तो अब ये सैंडविच तो मतलब सैंडविच नहीं यार, ऐसा सैंडविच प्लस चटनी बोलना चाहिए बिकॉज मेरे को मज़ा आया। एंड अब ये जम्बो, मतलब इसको कैसे खाऊंगा मैं, इतना बड़ा अच्छे से डबल ट्रिपल चीज लेयर पैटी सॉसेस कितना कुछ एक साथ है। एंड ये है विजय स्पेशल बर्गर, बिना किसी देरी के मैं ट्राई करूंगा कि मेरा मुंह इतना खुलता है कि नहीं। ऑब्वियसली खुलेगा यार, मतलब कैसा है पता है, लोडेड होना चाहिए, बट ओवरलोडेड होगा तो कोई खा ही नहीं पाएगा इनका। ये देखो आई गेस साइज प्रॉपर है, खाऊंगा तब पता चलेगा, लेट्स सी। ज़्यादा बड़ा होगा मैं खा नहीं पाता, सब गिर जाता, बट नहीं बहुत चीज़ है बट गिर रहा कुछ नहीं है। ओवरलोडेड राइट वर्ड है ये बर्गर के लिए। एंड मतलब सॉसेस पैटी एंड यार बहुत सही है, थोड़ा और स्पाइसी होता तो मेरे को और मज़ा आ जाती बिकॉज आई लाइक स्पाइसी फूड, ऑल्दो दिस बर्गर इज क्वाइट गुड। अब बारी आती है वीजे स्पेशल फ्राइज की, एंड ये प्लेट देखो यार, मतलब पूरा आ गया, मतलब एक जन आके खाओ फ्राइज, हो गया तुम खत्म, फिर तुम जीत खा लो बस खत्म, पेट खत्म। एंड इसके ऊपर डबल लेयर है चीज सॉस मेयोनीज सॉस, एंड वी हैव गॉट पेरी पेरी स्पाइस, जो स्पाइस रहेगा पेरी पेरी का। एंड देरी किस बात की, चलिए टेस्ट करते हैं। मैं प्रीफर करूंगा हाथ से खाना, एंड कैसे पता है फ्राइज भी इट्स मोस्ट प्रोबेबली सेम, मतलब फ्राइज सेम होगी सब जगह पे, इट्स क्वांटिटी विच मेक्स इट बेटर। अच्छे से अगर ज़्यादा भी डाल दिया तो बहुत टिका हो जाएगा, ये प्रॉपर है। एंड ऊपर जो सॉसेज डालेंगे ना वो ज़्यादा होने चाहिए, अगर स्पेशल फ्राइज है तो ज़्यादा होने चाहिए। एंड ये देख लो वो भी कम्प्लीट, दोनों चीज़ें मैं टिक करूँगा। एंड ये यहाँ का मेन्यू फास्ट फूड अगर अच्छा लगता है ना, विजय स्नैक्स शैक खाऊ गली में जगह अच्छी है बहुत जेन्यूनली। एंड अब मैंने एक एक बाइट तो टेस्ट कर ली, बट ये सब खत्म कौन करेगा, मैं ही करूंगा। यहाँ का मेन्यू मैंने टेस्ट कर लिया, बहुत हैवी था, पेट भर गया मेरा, लेकिन कैसे पता है डेजर्ट रहती है ना, डेजर्ट को कभी ना नहीं बोलते। तो आज अभी मैं एक ऐसा डेजर्ट टेस्ट करने वाला हूँ जो आप लोग शायद बोलोगे क्यों, बट कैसे पता है, पहले तो देख लो क्या है। चॉकलेट सैंडविच विद आइसक्रीम है। एंड ये कैसे पता है, चॉकलेट सैंडविच सर्व होती है बहुत जगह पे, डेट मतलब बिकॉज लोग लेते रहेंगे तभी सर्व हो रही है, तो कहीं ना कहीं आई गेस इट्स अ गुड ऑप्शन। मैंने पहले टेस्ट किया था एंड वो अच्छा था, एंड अब वापस टेस्ट करूंगा, लेट्स सी कैसा है। ये एक चीज़ बोल रहा हूँ, खाओगे ना तब नोटिस करना, चॉकलेट सैंडविच इज सिमिलर टू वॉफल्स के जैसा लग रहा है। आइसक्रीम एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ा गर्म एंड ठंडा मिक्स हो रहा है, एक अच्छा टेस्ट आ रहा है, डेजर्ट बन रहा है वो अच्छे से। तो विजय स्नैक्स शेक, यहाँ के मैं अपने पर्सनल रिव्यूज दूँ तो सबसे पहले आता है यहाँ का टेस्ट, मतलब मैंने खाया आपने देख लिया काफ़ी टेस्टी था, बट टेस्ट के साथ साथ मेन्यू मतलब ऐसा सैंडविच पिज्ज़ा बर्गर फ्राइज तो है ही, लेकिन कैसे पता इसमें भी बहुत वैरायटीज है, मतलब 40-50 आइटम्स इन टोटल है यहाँ पे, एंड वो भी पॉकेट फ्रेंडली जगह है, वो बहुत अच्छी बात है। एंड उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो डेजर्ट भी ऐसा चॉकलेट सैंडविच भी अवेलेबल है, प्लस लोकेशन की बात है तो खाऊ गली के स्टार्टिंग में ये जगह है, मतलब जैसे ही खाऊ गली में एंटर करोगे आपको विजय स्नैक्स शेक का बोर्ड दिख जाएगा जो एकदम ऐसा लाइटिंग चालू है तो दूर से ही नज़र में आ जाएगा। एंड उसके बाद अगर मैं जगह का ओपनिंग टाइम बोलूँ तो 4 to 12 लाइक सुबह दोपहर के 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक ओपन रहेगा। डिलीवरी चाहिए तो मोबाइल खोलो, ऐप खोलो, एंड जो भी चाहिए ऑर्डर करो, आपके घर पे डिलीवरी आ जाएगी विजय स्नैक्स शेक की, बस आपको यहाँ पे आना है या फिर ऑर्डर करना है। वो करने के लिए आपको नाम नोट करना पड़ेगा, एंड नाम है विजय स्नैक्स शेक।